हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेघा क्लासेस। ये अपडेट है मेडिकल स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए कि एनएसयूआई पार्टी के जो अध्यक्ष हैं दिव्यांशु बुद्धिराजा, वो आज फेसबुक पर लाइव आएंगे। शाम को 7 बजे मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करेंगे, उनके सजेशंस लेंगे कि वो क्या चाहते हैं एग्जाम्स को लेकर, कि एग्जाम्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए या प्रमोट कर देना चाहिए। जो भी है वो बातचीत करेंगे और उनकी सजेशंस लेंगे, और जो भी सजेशंस होंगे उसे वो सरकार तक लेकर जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा चांस है, बहुत अच्छा मौका है मेडिकल स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए कि वो अपनी बात रख सकते हैं, अपनी सजेशन दे सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं। ठीक है, और आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है फेसबुक पर लाइव आएंगे 28 जून 2020 को शाम को 7 बजे। ठीक है, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। और आपको अगर नहीं पता तो एनएसयूआई पार्टी ने ही जो प्रोटेस्ट करा था कॉलेज स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स को लेकर, तो इन्हीं के प्रोटेस्ट की वजह से हरियाणा के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ और जितने भी कॉलेजेस हैं उन सब के एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया गया है। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है और उन्हें ऐसे ही प्रमोट कर दिया जाएगा। तो हो सकता है कि मेडिकल स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कुछ अच्छा फैसला निकल कर आए। तो आप इस चीज़ में पार्टिसिपेट ज़रूर करो और अपना एफर्ट ज़रूर डालो, अपने सुजेशन दो कि आप क्या चाहते हो। और इसी के साथ मेरे पास एक वीडियो क्लिप भी है जो मैं आपको दिखाऊंगी। राहत मिलेगी। और एक जो मेडिकल की आपने बात करी, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि जो मेडिकल का छात्र है, देखिए ये कोर्सेज हैं सेंसिटिव प्रोफेशनल कोर्सेज। हम एक प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करते हैं, एक होते हैं सेंसिटिव प्रोफेशनल कोर्सेज। तो मेडिकल का छात्रों का पेच यहां फंस रहा है। मेरे पास काफी छात्रों के, जब मेडिकल के छात्रों के मेरे पास फोन आ रहे हैं, मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं। अब मेडिकल की जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जैसे एमबीबीएस का है तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, अगर डेंटल का है तो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया है, अगर हम आयुष का देखें तो सीसीआईएम है। ये जो इनकी रेगुलेटरी बॉडीज है, इन्होंने अभी तक कोई गाइडलाइंस या कोई एडवाइजरी जो है वो जारी नहीं करी है, और इनकी एडवाइजरी ऑल ओवर इंडिया में जो है हर कॉलेजेस में लागू होती है। इसलिए हम इस पर भी जो लीगल एंगल्स हैं, जो और इसके कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स हैं, एनएसयू हरियाणा उनको खंगाल रही है। उसमें किस तरीके से हम कोई कार्रवाई कर सकते हैं, या किस तरीके से हम ज्ञापन लिख सकते हैं, या किस तरीके से हरियाणा सरकार को इसमें इन्वॉल्व करके सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई ज्ञापन हरियाणा सरकार की तरफ से भिजवा सकते हैं, इन सभी एंगल्स के ऊपर हम लीगल्स की और एक्सपर्ट्स लोगों की, क्योंकि मैं भी मेडिकल लाइन का अपने आप को एक्सपर्ट नहीं समझता, इसलिए मैं इनमें एक्सपर्ट लोगों की राय मशवरा ले, कोई एक्शन बनता हुआ हम जल्दी ही वो एक्शन लेंगे और उम्मीद करेंगे कि सरकार मेडिकल लाइन के भी सभी विद्यार्थियों को कोई राहत प्रदान करे।